वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायो रेमेडिएशन बायो रेमेडिएशन का मतलब है माइक्रो ऑर्गैनिज्म का यूज़ करके हम इन्वायमेंटल पल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर रहे हैं ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि जो पल्यूटेड साइट है उसको हम क्लीन कर सकें सो बायो रेमेडिएशन इज द यूज़ ऑफ either naturally occurring or deliberately introduced microorganisms to break down the environmental pollutants in order to clean a polluted site. So आप क्या कर रहे हो जो भी environmental pollutants हैं उनको break down कर रहे हो उनको detoxify कर रहे हो ताकि जो contamination है उस area की ख़त्म हो सके और वो साफ़ हो सके clean हो सके जो हमारी contaminated site है वो decontaminate हो सके सो so, यहाँ पर पल्यूटेंट हो सकता है हीवी मेटल पेस्टिसाइड्स रेडियो एक्टिव मटेरियल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा और माइक्रो ऑर्गैनिज्म यहाँ पर फंगी बैक्टीरिया हो सकता है और प्लांट्स की हेल्प से भी आप पर बायो रेमिडिएशन कर सकते हो जिसको हम फाइटो बायो रेमिडिएशन बोलते हैं सो बायो रेमीडिएशन का जो गोल है जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है टू रिड्यूस द पल्यूटेंट लेवल या जो पल्यूटेंट है जो टॉक्सिक पल्यूटेंट है उसको नॉन टॉक्सिक बनाना सो so, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के लिए ये जो पल्यूटेंट है वो एक तरीके का फूड है एक तरीके का खाना है तो वो उसके ऊपर फीड करते हैं एंड उस पल्यूटेंट को वो कन्वर्ट कर देते हैं इन टू द स्मॉलर कंपाउंड्स लाइक वाटर और हार्मलेस गैसेस जो अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है बायो के लिए वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टेमिनेटेड एरिया जो है उसका साइज कितना है अगर साइज़ बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्टेमिनेट्स क्या है अगर ज़्यादा कंटेमिनेंट्स हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा बायो में कंडीशंस क्या क्या है टेम्परेचर कैसा है सो so, बायो जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है इन सीतु और एक सीटू इन सीतु का मतलब है जहाँ पे कंटेमिनेशन है वहीं पे उसको ट्रीट किया जाए सो इन सीटू का मतलब है ट्रीटिंग द कंटेमिनेटेड मटेरियल और द कंटेमिनेशन ऑन साइट जहाँ पे है वहीं पे उसको ट्रीट किया जाए बहुत ही आसान तरीका है और लेस एक्सपेंसिव है वेर एज़ जो एक सीटू होता है एक सीटू का मतलब है जो भी कंटेमिनेंट है उसको हम वहाँ से एक्सकवेट करें वहाँ से उठा करके किसी और साइट पर लेकर जाएं और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करें सो so, एक सीटू में हम रिमूवल करते हैं कंटेमिनेटेड मटेरियल का और उसको कहीं और ले जा कर के ट्रीट करते हैं सो so, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है सो so, एक सीटू के टाइप्स हैं सॉलिड फेज एंड स्लरी फेस बायो रेमीडिएशन लैंड फार्मिंग बायो फाइल्स एंड अगर हम बात करें इन सीटो बायो रेमिडिएशन तो, तो वहाँ पर आता है बायो स्टिम्यूलेशन बायो ऑगमेंटेशन बायोवेंटिंग बायो स्पार्जिंग बायो मिनरलाइजेशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन बायो स्टिम्यशन का मतलब है इट इज़ द प्रोसेस इन विच द न्यूट्रिएंट्स इज एडेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बायोडिग्रेडेशन सो यहाँ पे आपका क्या था सॉयल था दिस वॉज द सॉयल ठीक है जी ये हमारा सॉइल था इस सॉयल में ये हमारी बैक्टीरियाज़ हैं जो कि इंडिजीनियस बैक्टीरियाज़ है वहीं पर हैं तो अभी हम बात कर रहे हैं इन सीटू बायो रिमिडिएशन की इन सीटू का मतलब है जहाँ पे कंटेमिनेंट्स हैं यहाँ पे कंटेमिनेंट्स हैं हम इनको छेड़ेंगे नहीं जहाँ पे है वहीं पे इसको ट्रीट करेंगे लेकिन एक सेतु में हम क्या करते हैं इन कंटेमिनेंट्स को बाहर ले जाते हैं इनको एक्सकेवेट कर लेते हैं इनको रिमूवल कर लेते हैं और किसी और साइड पर जाकर इसका ट्रीटमेंट करते हैं सो so, अब यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है दैट इज़ बायो स्टिमुलेशन तो यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया है और कंटेमिनेंट है अब हम क्या करते हैं यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करेगा सो so, यहाँ पर मतलब हम क्या कर रहे हैं बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं मतलब हम ऐड add करें एडिशनल चीज़ों का जैसे कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मोलेसिस आप डाल सकते हो तो हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारा बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो इनहस हो सके जो अब क्या हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड करें जिससे क्या हुआ बायोडिग्रेडेशन का जो लेवल है वो हाई हो गया एंड ये बैक्टीरिया अब उस कंटामिनेंट को फटाफट से ख़त्म कर देगा या उसको कन्वर्ट कर देगा नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स के अंदर देन वी हैव बायो ऑगमेंटेशन बायो ऑगमेंटेशन में क्या है बस एक ही चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पर तो हम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे थे और यहाँ पर हम सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से बायोडिग्रेडेशन जो है वो एनहेंस हो जाती है और जो कंटेमिनेंट है दे आर कन्वर्टेड इन द नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स नेक्स्ट है बायोवेंटिंग बायोवेंटिंग का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ एयर इन द सॉइल कंटेमिनेशन एरिया अबव द वाटर टेबल एयर इज इंट्रोड्यूस ईधर बाई वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मेथड और बाय फोर्सिंग द एयर इन टू द सॉइल अंडर पॉजिटिव प्रेशर सो यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारे पास सॉयल है एंड सॉयल है और ये रेड कलर का जो सॉइल है वो कंटेमिनेटेड सॉइल वाला एरिया है तो अब हम क्या करेंगे वेल्स जो है वहाँ पर बना लेंगे अपने सॉइल के अंदर वेल्स बना लेंगे जो ग्राउंड सर्फेस आप देख रहे हैं उसके अंदर हमने वेल well डिग कर ली है एंड वाटर टेबल आपको दिख रही है दिस इज द ग्राउंड वाटर तो ग्राउंड वाटर के लेवल से ऊपर है जो हमारा वेल्स है तो बायो स्पार्जिंग जब हम पढ़ेंगे तो वो वाटर टेबल को टच कर जाते हैं लेकिन यहाँ पर वाटर टेबल के ऊपर हैं वेल्स तो फर्क यही है तो हमने वेल्स देख कर लिए अब इन वेल्स के थ्रू हम एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे सो so, एयर के एयर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द कंटेमिनेटेड एरिया फिर जो मतलब जो अरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम है उनकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सो वॉलेटाइल कॉन्टेमिनेट्स वुड नॉट बी डिग्रेडेड बाई दिस मेथड। सो वॉलेटाइल कॉन्टेमिनेट्स को डिग्रेड करने के लिए हमने एक और टेक्निक बनाई विच इज दी बायो स्पार्जिंग बायो स्पार्जिंग में हम क्या करते हैं बायो वेंटिंग जैसा ही है लेकिन जो हम यहाँ पर वेल्स बनाएंगे वो वाटर टेबल को टच कर रहे हैं आप देख रहे हैं वाटर टेबल के अंदर आ रखे हैं वेल्स लेकिन जो हमने बायो वेंटिंग पढ़ा था जो हमने यहाँ पर बायो वेंटिंग पढ़ा था यहाँ पर जो हमने वेल्स दिख करे थे वो वाटर टेबल से ऊपर थे सो लाइक द बायोवेंटिंग द एयर इज़ इंट्रोड्यूज इन

द नेक्स्ट इज़ द बायो अक्यूमिलेशन बायो अक्यूमिलेशन क्या है दिस मेथड इज़ द अपटेक ऑफ द पोल्यूटेंट सपोज करो कि कोई पल्यूटेंट है फॉर एग्जाम्पल हैवी मेटल है तो जो बैक्टीरिया है वो उसका अपटेक कर लेगा और उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेगा लेटर वो उसको डिटॉक्सीफाई भी कर सकता है उस मेटल हैवी मेटल पोल्यूटेंट को डिटॉक्सीफाई भी कर सकता है दैट इज़ बायो अक्यूमुलेशन इकट्ठा करना अक्यूमलेट मतलब इकट्ठा करना तो बैक्टीरिया जो है अपनी बॉडी के अंदर ही उस पॉल्यूटेंट को जमा कर लेगा स्टोर कर लेगा और बाद में उसको डिटॉक्सीफाई भी कर सकता है नेक्स्ट इज बायो मिनरलाइजेशन बायो मिनरलाइजेशन का मतलब है जो भी सोल्यूबल पोल्यूटेंट है आपके पास फॉर एग्जाम्पल हैवी मेटल है वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा किसी सर्टेन सब्सटेंस के साथ फॉर एग्जांपल एच टू एस के साथ और वो एक इन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सो बायो मिनरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सोल्यूबल पोल्यूटेंट कन्वर्ट हो जाता है इन सोल्यूबल फॉर्म के अंदर देन वी हैव द बायो ट्रांसफॉर्मेशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हैवी मेटल है जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में है बैक्टीरिया कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जो एंजाइम्स क्या करते हैं रिडक्शन परफॉर्म करते हैं एंड वो ऑक्सीडाइज फॉर्म से उस पल्यूटन को रिड्यूस्ड फॉर्म में ले आते हैं नेक्स्ट इज द एक्सीटू एक्तू एक्सीटू बायो रेमिडिएशन जिसमें कि हम जो वेस्ट मटेरियल है या जो भी हमारा कंटेमिनेट है उसको हम रिमूव कर लेते हैं एंड कहीं और ले जा के उसको ट्रीट करते हैं ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लगानी पड़ती है और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो जो कंटेमिनेशन है वो फैल सकती है और इसके लिए थोड़ा लार्ज एरिया आ, आपको नीडेड होगा टू परफॉर्म द एसी टू सो दैट इज़ अ डिसएडवान्टेज दैट इट नीड्स अ लार्ज एरिया एंड इट इज़ कॉस्टली सो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लरी फेज बायो स्लरी फेज़ में हम क्या करेंगे जो भी हमारा कंटेमिनेटेड सॉइल है तो उसको पानी के साथ मिला देंगे या फिर अगर आपका कंटेमिनेटेड वाटर है तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो उसको हम बायो रिएक्टर के अंदर डाल देंगे और इस बायो रिएक्टर के अंदर हम ऑक्सीजन डालेंगे न्यूट्रिएंट्स डालेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम डालेंगे और ऑप्टिमम कंडीशंस को मेंटेन रखेंगे मतलब ऑप्टिमम पीएच एच टेम्परेचर प्रेशर सब चीज़ें जो है वो स्टेबल होनी चाहिए टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम देन नेक्स्ट है आपके सॉलिड फेज बाई सॉलिड फेज़ में हम क्या करते हैं कि सपोज करो कि कोई ये सॉलिड सर्फेस है उस सॉलिड सर्फेस के ऊपर हम कंटेमिनेंट सॉइल को रख देंगे एंड पीरियडिकली उसको टर्न करते रहेंगे पीरियडिकली इसको टर्न करते रहेंगे और ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन करके रखेंगे तो सबसे पहले अपने पास लैंड फार्मिंग लैंड फार्मिंग में हम क्या करते हैं जो कंटामिनेटेड सॉइल है उसको एक्सकेवेट किया जाता है रिमूव किया जाता है एंड उसको स्प्रेड किया जाता है इनटू द लाइन बेड्स ऑफ अबाउट 0.46 मीटर थिकनेस इसके लिए लार्ज एरिया जरूरी है और सिंपल मेथड है कॉस्ट इफेक्टिव इको फ्रेंडली सो हियर यू कैन सी हम यहाँ पर न्यूट्रेंट्स भी एड करते जा रहे हैं और ऑप्टिमम कंडीशंस हमने यहाँ पर इसको प्रोवाइड करी हुई है सो इट इज एन अबव ग्राउंड रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी फॉर सॉइल दैट रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ द पल्यूटेंट्स नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम क्या करेंगे कंपोस्ट क्या होता है खाद तो हमने ऊपर खाद नीचे खाद और बीच में हमारा जो कंटेमटेड सॉयल है उसको हम प्लेस कर देंगे एंड फिर आप देखेंगे कि जो पल्यूटेंट्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे नेक्स्ट वी हैव द बायो पाइल्स बायो पाइल्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंटेमिनेंट है सपोज करो ये हमारा कॉन्टेमिनेटेड सॉइल है इसकी हम एक पाइल बना देंगे ठीक है इसका हमने एक पाइल बना दिया है और उसको हम एक प्लास्टिक कोट uh, मतलब एक उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर लगा देंगे ताकि वो बाहर इन्वायरमेंट में ना फैले कंटेमिनेंट्स सो कंटेमिनेटेड सॉइल का हमने एक हीप बना दिया एक पाइल सा बना दिया एंड उसको हमने एक प्लास्टिक कोट से ढक दिया इसके अंदर आप न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड कर देना अब हम इस जो पाइल है इसको हमने अटैच कर रखा है गैस वाटर सेपरेटर से जो पानी है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा एंड वो एक्सेस वाटर जो है उसको वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जो गैसेस हैं वो यहाँ से निकल जाएंगी जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं लाइक जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करते हैं तो वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ देते हैं पल्यूटेंट को और हार्मलेस गैसेस और वाटर में तोड़ देते हैं जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो भी पल्यूटेंट है उसको माइक्रो माइक्रोगैनिज्म सिंपलर गैसेस सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर उसको डिग्रेड कर देते हैं सो so, जो भी आपका पल्यूटेंट है वो डिग्रेड हो जाएगा हार्मलेस uh, गैसेस और वाटर के अंदर वाटर जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा और जो एक्सेस वाटर है वो वाटर बॉडीज़ के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा सो बायो रेमिडिएशन इज द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गैनिज्म टू ब्रेक डाउन द इन्वायरमेंटल पल्यूटेंट इन ऑर्डर टू क्लीन अ पल्यूटेड साइट और टू डिटॉक्सीफाई द कॉन्टेमिनेट्स सो वॉट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द बायो रेमेडिएशन इट इज द स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गैनिज्म जो कि क्या कर सकते हैं हमारे कंटेमिनेन्ट्स को डिग्रेड कर सकते हैं कंटेमिनेट्स जैसे ऑयल हो गया पेस्टिसाइड अब ये जो कंटेमिनेंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके ऊपर फीड करते हैं कंटेमिनेंट के ऊपर एंड वो कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को टू दी वाटर और हार्मलेस गैसेस तो जो भी पल्यूटेंट है उसको वो डिटॉक्सीफाई कर देंगे उसको कन्वर्ट कर देंगे लेस हार्मफुल चीज़ों के अंदर वाटर के अंदर हार्मलेस गैसेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर टेम्परेचर प्रॉपर जो भी हमारी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं वो हमने मेंटेन करके रखनी है सो बायो रेमिडिएशन में आपने देखा कि किस तरीके से हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम की हेल्प से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उनका ब्रेक डाउन करा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे